फुटबॉल की चॉइस की, क्योंकि ये बहुत मतलब फिटनेस वाला गेम है। क्रिकेट भी है, नए बोल के नहीं, पर क्रिकेट में मतलब सिर्फ नॉर्मल ठहर के खेला जाता है, फुटबॉल में सिर्फ भागना भागना रहता। हेलो नाजरीन, ARS न्यूज़ में मैं यूफ़ खान आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज हम बात करने वाले खेल की दुनिया से। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में, और यहाँ पर फुटबॉल के ताल्लुक करने वाले यहाँ के जिम्मेदार ऑर्गेनाइज़र चीफ गेस्ट और यहाँ के फुटबॉल प्लेयर्स इनसे बात करते हैं आज के इस प्रोग्राम के बारे में। तो बताइए आज जो सुपर लीग के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है, आई एम द फुटबॉल कोच। सो हम लोग हैदराबाद सुपर लीग जो हैदराबाद में करे है, जो कि इसमें 216 प्लेयर्स और 18 टीम्स पार्टिसिपेट करे थे। तो ये बहुत ही अच्छा शानदार प्रोग्राम रहा है, ये लगातार एक दो महीने का लीग कंप्लीट हुई है, जो कि एस्ट्रो पार्क जुबली हिल्स साइड पे ग्राउंड है, वहाँ पर पूरा लीग कंप्लीट हुआ है। फाइनल श्रीनिधि ग्राउंड डक्कन फुटबॉल क्लब पे कंप्लीट हुआ है। उसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ पूरी मौजूद है विनर रनर जो बच्चे हैं, जो इंडिविजुअल अवार्ड्स बेस्ट गोल कीपर, बेस्ट प्लेयर, गोल्डन बूट एंड ऑल्सो इंडिविजुअल अवार्ड्स जो भी है बच्चे। और इसके साथ हमारे साथ है चीफ गेस्ट आज के मिर्ज़ा वसीम बेग, मिर्ज़ा नजीब बेग, और ये हैदराबाद सुपर लीग सीज़न 6 इंडिविजुअली अलग अलग कैटेगरीज के उसमें हैदराबाद में हो रहा है, जो कि जो फुटबॉलर जो चाहने वाले बच्चे, जो फुटबॉल को लाइक करने वाले बच्चे, उनके वास्ते एक इवेंट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा उनको प्रोवाइड हो और अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म उनके लिए प्रोफेशनल लेवल पर खेल सके, बच्चे यहाँ से एक नया एक्सपीरियंस लेके वो जाके अच्छे लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने की कोशिश करें। ऐसा तो हिंदुस्तान में जो है ना ज़्यादातर क्रिकेट को पसंद किया जाता है, लेकिन ऐसे माहौल में आप फुटबॉल को बढ़ावा दे रहे हैं, तो क्रिकेट के शौकीन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, क्रिकेट फुटबॉल ऐसा कुछ नहीं है, स्पोर्ट्स एज स्पोर्ट्स, हर स्पोर्ट्स सेम है, ऐसा कुछ नहीं है कि हर स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम है, हर स्पोर्ट्स में ही आपको वर्क करना, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। कोई भी स्पोर्ट, आप क्रिकेट में रहो, फुटबॉल में रहो, आप बैडमिंटन में रहो, या चेस खेलते रहो आप, या मिनिमम एक पबजी गेम क्यों ना हो आप खेल रहे हो, तो लेकिन आप जितना हो सके उतना आप अपने आप को बिलीव करके, आप इंडिविजुअली खुद हार्ड वर्किंग करके आप जा सके, खुद के ऊपर बिलीव रहा तो ही आप कामयाब होंगे। मैटर नहीं करता आप कौन सा स्पोर्ट्स खेलते, मैटर करता योर बिलीविंग, आप खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंट है और आप चाह रहे क्या, और उससे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप अपने पेरेंट्स को कितना रेस्पेक्ट करते। जब तक आप अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करेंगे, जब तक आप कामयाब नहीं होंगे लाइफ में, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफर्ड आप पेरेंट्स को आप समझिए, उनको बताइए, पेरेंट्स की वजह से ही सब कुछ है। आज आप जो भी आज काबिल बनते हैं, आप बनते आप या हम जहाँ ठहरे हुए, जो ये इवेंट हो रहा है, जो आप इंडिविजुअली, ये पेरेंट्स की वजह से बेटे, अपने खुद के पेरेंट्स की आप रेस्पेक्ट करिए, बड़ों की इज्जत करिए, इज्जत करने से ही आप कामयाब होंगे। स्पोर्ट्स सब इक्वल है भाई, चाहे क्रिकेट हो, सही आपकी बात तो सही है कि क्रिकेट का बढ़ावा है, लेकिन कोशिश क्रिकेट को हटा नहीं, वो इधर नेशनल हमारे वो मेन उससे इंडिया जानी जाती है, हम लोग कोशिश करेंगे फुटबॉल का भी उसमें बराबर योगदान है और फुटबॉल भी सेम क्रिकेट के बराबर आए। हमारी ये कोशिश नहीं है कि फुटबॉल हटा, क्रिकेट हटा के फुटबॉल आए। HSL सीज़न 6 का एक ही मकसद था कि हम काफ़ी उमदा प्लेयर्स को बाहर लेके आए, ये इंटायर प्रोसेस जो था बच्चों के लिए एक्सपोजर एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफ़ी प्रमोशन पूरे इंडिया वाइज से हो रहा है, जैसा रिलायंस ने कर रहे हैं, काफ़ी लोग कर रहे हैं, तो हम लोग पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद में काफ़ी टैलेंट है और काफ़ी लोग हैं जिसको पहचानने की वो है, कला है, जो फैज़ है, रहीम साहब है, उन सबको हमारे मेंटर शबीर साहब है, उन सबको जो है ये बच्चों को राइट ग्रूम करने का वो है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म की काफ़ी ज़रूरत है हैदराबाद में। काफ़ी और भी लीग्स हो रहे हैं, बट HSL सीज़न 6 में जैसा फैज़ ने कहा है, अबाउट 220 बच्चे हैं, जिसमें से काफ़ी पूरे बच्चों ने अपनी मेहनत की है और काफ़ी अच्छे विनर्स एंड इंडिविजुअल अवार्ड विनर्स आए हैं, तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको इंशाल्लाह हैदराबाद में काफ़ी प्लेयर्स दिख के आएंगे इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग अच्छा खेलो, वी आर देयर टू सपोर्ट यू गाइस, एंड व्हाट एवर यू नीड, फैज़ है आप लोग के साथ, रेमबेक सर कैसे कोचेज हैदराबाद में रखे, यू हैव गोल्डन अपॉर्चुनिटी हियर, चलो ऑल द बेस्ट। यहाँ पे कुछ फुटबॉल प्लेयर्स भी, इनसे भी बात करते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं अभी अवार्ड पाने के बाद? बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा टूर्नामेंट था, बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी आगे बढ़ने के लिए आप जो कर रहे हैं, जैसा कि प्लेयर्स को एक नॉर्मल लाइफ गुजारना नहीं पड़ता है, उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें मेंटेन करना पड़ता है, खाने पीने की चीज़ें और बहुत सारे सेहत का ख्याल, तो आप कैसे मेंटेन करते हैं सर? अभी तो मतलब मैं बहुत यंग हूँ, लेकिन मैं जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ अच्छा खाने की, अच्छा ट्रेन करने की, बेसिक्स पे फोकस करने की। प्लेयर बोलिए, आप कैसा फील कर रहे हैं? बेसिकली फॉर अ फुटबॉलर यू नीड अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन होना है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि
फुल मज़ा आती ये प्लेटफॉर्म में। लास्ट टीम से बात करते हैं, हम क्रिकेट को ज़्यादातर पसंद करते हैं इन जनरेशन, आपकी उम्र के लड़के, आप फुटबॉल क्यों चॉइस की? क्योंकि ये बहुत मतलब फिटनेस वाला गेम है, क्रिकेट भी है नए बोल के नहीं, पर क्रिकेट में मतलब सिर्फ नॉर्मल ठहर के खेला जाता है, फुटबॉल में सिर्फ भागना भागना रहता। तो आपको भागना पसंद है? जी जी, जो हम जो बॉडी को मतलब फिट रखते हैं ना वो चीज़ हम ज़रूर करेंगे। तो हम चाहते हैं कि आप इतनी दूर भागे कि अपने हिंदुस्तान और शहर हैदराबाद का नाम रोशन। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई, मैं बहुत खुश हूँ, मैं HSL का शुक्रगुजार हूँ बस। Right, wait.